जिस दिन 24 सितंबर 1931 को पुनः पैक्ट हुआ, उसके बाद बाबा साहब बड़े दुखी थे और उन्होंने कहा कि आज मेरा मन बहुत ज्यादा दुखी है, जी कर रहा है कि मैं बिजली के खंभे को पकड़ के अपने जान दे दूं। यह बात उन्होंने क्यों कही? ये जो डबल वोट, जो सेपरेट इलेक्टोरल मांगा था, क्यों मांगा था? यह बात आज हमें समझ आ रही है। लोग रिजर्व सीट से चुन के तो जाते हैं, कायदे में तो दे आर रिप्रेजेंटेटिव टू द सोसाइटी इन द असेंबलीज एज वेल एज इन द पार्लियामेंट, बट आर दे इंडीड? क्या वास्तव में वो उस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या वो समाज को धोखा नहीं दे रहे हैं? क्या समाज के दुख दर्द को उतनी मजबूती से वो संसद के अंदर और विधानसभाओं के अंदर उठा रहे हैं? जो लोग समाज के दुख दर्द को, समाज के मुद्दों को विधानसभाओं में और संसद में ईमानदारी से नहीं उठाते, वो दगा कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। पहले हमारी कमर तोड़ी, 4,000 साल की गुलामी के बाद बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें आजाद कराया, संविधान के माध्यम से तमाम तरह के अधिकार दिए, धीरे धीरे उनके दिए आरक्षण की वजह से और उनके दिए पढ़ने लिखने की जो आजादी हमें मिली उसकी वजह से हम लोग धीरे धीरे थोड़े से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने शुरू ही हुए थे। अभी बहुत ज्यादा लंबी दूरी तय भी नहीं हुई थी कि तभी